प्याज में ये जो ट्विस्टर बीमारी है ना, तीन कारणों से आता है, ठीक है ना। अब उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। 35-40 दिवस तक अगर मूल पूरा डैमेज हो गया, समझ लो कि वहाँ पर फंगस के कारण होता है। फंगस एक तो लगता है इसमें ये फ्यूजेरियम, उससे जड़ पूरा सूखता है, ठीक है ना। दूसरा लगता है एंथ्रेक्नोज, उसके कारण भी ये जड़ सड़ता है। तो मूल जब नहीं रहेगा तो भी घूमता है। अगर मूल सही है, मूल सही है, फंगस नहीं है नीचे, तो भी अगर घूमता है तो वहाँ पर निमेटोड है। अगर इसको टटोलोगे ना आपको मोटा मोटा छोटा छोटा गठान दिखेगा, ठीक है ना। तो ये तीन कारण है। अब तीनों कारणों को अपने को देखना पड़ेगा। अगर 35-40, ये तो करीब 60-70 दिवस का होगा। हाँ नहीं, ये 35-45 डेज है ना। तो इसमें मूल अगर सही है तो इसमें निमेटोड का प्रॉब्लम। तो निमेटोड के लिए आपको नीचे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नंबर एक, अगर बीच में ये देखा दिख रहा है ना, इसमें ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसका मूल पूरा डैमेज है, तो हो सकता है कि इसमें फंगस भी है, क्योंकि मूल पूरा डैमेज हो गया। निमेटोड कभी मूल को ऐसे डैमेज नहीं करता, वो इनमें गठान होता है, गठान में रहता है, ठीक है ना। तो इसमें नीचे जो जमीन में देंगे तो इसमें आप ये बायर का कौन सा प्रोडक्ट है, वो वेलम प्राइम डलवा सकते हो, लैम्डा साइलोथिन डलवा सकते हो, साथ में नीचे जो है ना रेडोमिल गोल्ड डाल सकते हो। तो अगर लैम्डा साइलोथिन तो 300 ml और ये रेडोमिल 250 से 300 ml, 300 ग्राम, 300 ml एक एकड़ में। ऊपर से स्प्रे में जाएगा, इसमें आप एक्रोबेट कंप्लीट स्प्रे करवा दो या एक्रोबेट पॉलीजम मिला के दोनों करवा दो, उससे सुधार आएगा। लेकिन सर वेलम